टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। चाइना हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अब ऐसी पावर बन चुकी है ना कि कोई देश उसके ऊपर हाथ उठाने से ना अब 100 बार सोचेगा कि हिंदुस्तान है। अब ये 61 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। फिर भी आपने ये चीज़ देखी है कि जब से मोदी आए हैं ना, जब से इस देश का बहुत सुधार हो गया है। हम तो मोदी जी की बात ही नहीं सुनते, पहली बात तो ये। फिर सुनो ना, वो अपनी मन की बात कहते रहते हैं, हमारे मन में क्या है कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए उनके मन की बात हमें सुनकर क्या करना है, वो हमारे मन की बात सुने तो समझ में आए ना बात। राम राम भैया, क्या हाल चाल हैं? सब बढ़िया हैं? तुम्हें पता है देश के सबसे कद्दावर नेता जो हैं मोदी जी, उनकी मन की बात पर डिसलाइक आए और क्यों आए ये तो हमें ना पता हो, या बात की पता करने, क्योंकि लोग के हमें जो देश की राजनीति है ना वो दिल्ली से चले हैं, तो आएगा दिल्ली पता करने। देख लो इंडिया गेट है सामने बिल्कुल, और अब यहाँ के लोगों से पता करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत देखे हैं, क्योंकि अभी मोदी जी ही तो बोले थोड़ी दूर 15 अगस्त में, उन्होंने ही भाषण दियो और लोगों ने सुनो भी हो। अब दिल्ली के आदमी देखो करनी है हमें कि आखिर मोदी जी को जो यूँ मन की बात है डिसलाइक हुई तो हुई क्यों, और कसने करिए जांच को विषय, कहीं टेक्निकल मिस्टेक तो ना है कि लोगों ने करिए ही सच में। आ जाओ देखो, और तुम्हें भी बताएंगे, तुम भी पता लगा लियो कि कैसे हुई डिसलाइक आखिर। आओ दिल्ली जो है ना दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं। दिल्ली जो है ना दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं। तो भैया हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और दिल्ली के लोगों से पता करेंगे कि आखिर मोदी जी का जो मन की बात है सुनना ना चाह रहे हो, वैसे डिसलाइक कर रहे हो। क्या नाम है आपका? उर्मिला सिंह। उर्मिला जी, मोदी जी की मन की बात पर डिसलाइक आए हैं, क्या लग रहा है? वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि कमेंट सेक्शन उन्होंने ऑफ कर दिया था यूट्यूब के सेक्शन पे, बाकी इसलिए मतलब उन्होंने वीडियो में कहा था कि हमें क्रिटिसिज्म पसंद है, और क्रिटिसिज्म का एक होता है सोर्स होता है कि कमेंट सेक्शन में लोगों की मन की बात उनको बोलने दे, बट क्योंकि उन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया इसलिए उनके वीडियो पे डिसलाइक आए हैं। नहीं ऐसा तो ना कि मोदी जी की मन की बात सुनना ही ना चाह रही पब्लिक, अब कह रही है कि हमारे मन की बात सुनो। हाँ इनडायरेक्टली वो भी हो सकता है। इनडायरेक्टली है भैया, ऐसा भी है, ध्यान रखिए। आपका नाम क्या है जी? मैंने कुछ बोल दूंगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हाँ कुछ तो बोल दो। वैसे भी आजकल पब्लिक जो है ना कम ही बोल रही है, मोदी जी बहुत बोल रहे हैं, आप बताओ। सबसे ज़्यादा मेन रीज़न एक ये हो सकता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था जो हमारे बच्चों की पढ़ाई थी, या किसी चीज़ के साथ वो फोकस नहीं थे एग्ज़ाम्स को लेकर, या बस डेट बढ़ाए जा रहा है, तो वो भी एक हो सकता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी एक नहीं मिला कि अभी हमारा करियर सेट करने का टाइम आ रहा है, तो उस तरफ कोई सीरियसनेस उतना नहीं देख रहे, तो वो भी शायद एक रीज़न हो सकता है। तो यानी कि मोदी जी के लेकर के लोगों में भी गुस्सा है कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो क्यों ना हो रहे हैं। बाकी बेरोजगारी को लेके भी कोई मुद्दा है? बेरोजगारी को भी है, अब इसकी वजह से तो काफ़ी ज़्यादा हुआ ये अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से भी कवर अप करने का तो ट्राई कर रहे हैं, अब मैजिकल तो नहीं है पर उतना सीरियस वो उस पर वर्क नहीं कर रहे होंगे जितना लोगों को चाहिए होगा। कोई ऐसा तो ना कि विपक्ष वालों ने बैठ के डिसलाइक करा दिया हो, IT मजबूत कर ली हो, अब तक राहुल गांधी की खराब चल रही जो हो सकता है, पर स्टूडेंट्स का भी एक काफ़ी मेजर रोल होगा इसमें। भैया मोमोज वाले भैया से जरूर बात करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। बता दो चाचा कुछ तो बता दो, मोदी जी पसंद है नहीं है? हाँ ये ना बोलेंगे भैया, बहुत लोग बोलना ही नहीं चाह रहे हैं ना, बहुत चीज ऐसी है, इतने उतर से आ जाएं। आप बता दो चाचा। भाई साहब मैं क्या बताऊँ, बताइए। ये मोदी जी ने अभी जो मन की बात करी उनके वीडियो पर डिसलाइक आ रहे हैं बहुत। भाई साहब हमने ध्यान नहीं दिया कब करी है उन्होंने। अच्छा यही ना पता जी, प्रधानमंत्री ने बात करी है? नहीं हमने नहीं देखा भाई साहब, हम बिजी इतने हो जाते हैं कि कभी कभी इधर उधर घर से बाहर ही रहते हैं। वो तो संडे में सुबह करे हैं ना बात। नहीं करते तो है मगर हमने न्यूज नहीं देखा ना, चक्कर ये है। मोदी जी ने पसंद कर रहे हैं लोग क्या, अब ना कर रहे हैं? आप पसंद तो कर रहे हैं, जब लॉकडाउन सही ढंग से दिखा दिया तो कर ही रहे हैं लोग पसंद, पब्लिक को बचा दिया और क्या करा जाएगा, पब्लिक को बचा दिया पूरा और क्या करेगा इससे ज्यादा, और क्या ले ली चाइना से टक्कर ले ली, भाई राजा हैं वो,
देश के राजा जब कड़क होगा तभी तो प्रजा मानेगी। अच्छा हाँ, तो राजा है वो, चाइना तो वहीं खड़ा है। हाँ, चाइना कहाँ खड़ा है, चाइना कुछ नहीं कर अभी सकता, कुछ नहीं करेगा अब, चाइना हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अब ऐसी पावर बन चुकी है ना कि कोई देश उसके ऊपर हाथ उठाने से ना अब 100 बार सोचेगा कि हिंदुस्तान है। अब ये 61 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, 61 के अंदर चीन से यह इससे हार गई थी, ये हार गई थी जंग, हार गई, अभी 61 वाला नहीं है। ये जो मोदी जी ने अभी मन की बात करी इस संडे में, ये जो है डिसलाइक क्यों करी गई ये, इसकी तो थोड़ा सा बता दो एक बार भैया। ये परीक्षा ये तो भैया देखो, अब एक राजा बैठा है, उसने देश संभाल रखा है इतना बड़ा, फिर भी आपने ये चीज़ देखी है कि जब से मोदी आए हैं ना, जब से इस देश का बहुत सुधार हो गया है, और 100% इतना सुधार हो गया ना, किसी भी सरकार ने आज तक इतना सुधार नहीं करा जो अब ये सुधार हो गया। आज तक राम मंदिर देखो सदियों से पड़ा हुआ था, तो कोर्ट ने बनाया यार, कोर्ट ने बनाया, लेकिन परमिशन तो मोदी जी की है, जब तो बनाए। अगर महिलाओं पर अत्याचार होते थे, महिलाएं का दो ऑप्शन था गांव में, अमित शाह जी सीधी बात कहते हैं, एक तो लकड़ी चुगना घर में तभी चूल्हा जगेगा तब रोटी बनेगी, दूसरा शौच करने जाना, दोनों ऑप्शन बंद कर दिए, महिलाएं बाहर नहीं जाती, सिलेंडर भी तो 700 तो ऊपर है मेरे यार। हाँ तो वो ऊपर है तो अब तो आ भी गए। अच्छा कितने का है? 592 का। बेरोजगारी पे क्या कहोगे? बेरोजगारी पे सबको रोजगारी मिल रही है, बेरोजगारी पे क्या, बेरोजगारी सबके साथ है, जो सबके साथ होना हो तो सबके साथ है, इसमें सबको हाथ मिला के चलना है एक साथ, इसमें क्या। अच्छा बिल्कुल, मतलब जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो बढ़ क्या रही है, जो बीमारी बढ़ रही है उस वजह से, ये सब बीमारी खत्म होगी, सब अपने वहीं के वहीं आ जाएगा सब कुछ, कोरोना के बाद लग रहा तुम्हें कि सब सही हो जाएगा? सब बिल्कुल सही हो जाएगा, सही तो हो गया। तो भैया यहाँ तो हमने बहुत लोगों से बात करी, कुछ आदमी इनके कहने हैं कि डिसलाइक इस वजह से हो क्योंकि जो छात्र हैं वो परेशान हैं, लेकिन कुछ को कहना हो कि टेक्निकल मिस्टेक हुई है, और बाकी जो लोग हैं वो तो तुम्हें बता ही रहे हैं कि हम चाइना से भी टक्कर ले रहे हैं, कोरोना भी हरा रहे हैं, और लॉकडाउन को भी सही तौर पे पालन कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अभी तो और आगे बात करनी है, बहुत लोगों ने यहाँ दिल्ली जो है ना दिल वालों की, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं। भैया और भी लोग हैं हमारे संग बात करने को, और अंतिम पता करेंगे कि आखिर मोदी जी की जो मन की बात है वो डिस्ट्राइक क्यों हुई। क्या नाम है जी? मेरा नाम है मिसेस जुनैद। ये मोदी जी की मन की जो बात है वो डिसलाइक हुई है, क्या कारण है? हम तो मोदी जी की बात ही नहीं सुनते, पहली बात तो ये, हमारे मन में क्या है कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए उनके मन की बात हमें सुनकर क्या करना है, वो हमारे मन की बात सुने तो समझ में आए ना बात। मतलब मोदी जी को नया प्रोग्राम चलाना चाहिए जिसमें वो कहें कि भैया आओ तुम अपनी मन की बात बताओ, मैं सुनूंगा। बात नहीं, प्रोग्राम के अलावा क्या, जो हमारा पीएम है उसको तो मन की बात वैसी पता होनी चाहिए कि आवाम के मन में है क्या, उनको तो ये पता ही नहीं होता कि आवाम के मन में है क्या, वो हमेशा सिर्फ अपनी मन की बात बोलते हैं और एक नया कानून लागू करते हैं और चले जाते हैं, और जबकि उनके कानून की कोई वैल्यू होती नहीं है, कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है उनकी मन की बात। उनके मन की बात सुन कौन रहा है, सिर्फ उन्हीं के पार्टी के लोग सुनते होंगे, दूसरे लोग हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं सुनते भाई। अच्छा इसीलिए डिसलाइक कर दिए वो? सभी डिसलाइक ही करेंगे उन्हें और क्या। और भी आप भी बोलोगे जी? नहीं जी, हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। आप बोलोगे भैया सही बिक रहे हैं गोलगप्पे तो बता दो, ये भी ना बताओगे? कुछ नहीं यार, यहाँ कौन आ रहा तुम्हें हटा रहा हो यार। भैया थक गए तो आके हम भी बैठ गए, और भी लोग उनसे पता कर रहे हैं कि आखिर यार बहुत बड़ा सवाल है मोदी जी की मन की बात और डिसलाइक कर दें, नागवार गुजर रही है हमें तो। भाई साहब मोदी जी की जो मन की बात है, पहले नाम बताओ, नाम क्या है आपको? सर नाम बता के कुछ नहीं। अच्छा चलो नाम बताना चाह रहे हो मोदी जी ने, नाम बताने के बाद में फिर अच्छा हम समझ गए, ठीक है। ये मोदी जी के अभी जो बात करी मन की बात जी, उसे डिसलाइक करोगे, क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण ये है कि कोई भी इंसान अगर अपने मन की ही बात करेगा, दूसरे की मन की बात नहीं सुनेगा, तो उसको डिस्काइज किया जाएगा, उसको डिनाई ही किया जाएगा, उसको नापसंद ही किया जाएगा। अगर वो सबके मन की बात करेंगे तो वो बहुत पसंद किए जाएंगे, सबको पसंद आएंगे, हमें भी पसंद आएंगे। यदि वो सिर्फ मैं तो ये आपके लिए भी बोलूँगा, अगर आप अपने मन की ही बात करेंगे तो मुझे पसंद नहीं आएंगे, हो सकता है इनको पसंद आ जाए, किसी को पसंद आ जाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। तो कारण मतलब कुल मिला के यही है
कि मन मोदी जी दूसरे की मन की बात नहीं सुनने, इसलिए डिसलाइक। सिर्फ वो अपने मन की बात कर रहे हैं और अपने जो उनको और उनके समाज के लोग या उनके जैसे लोगों को पसंद आ रहा वो जैसी बातें कर रहे हैं। हमारे हमारे एक आम हिंदुस्तानी के मन की बात तो अब वो करना उन्होंने छोड़ दिया। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। तो इस कुछ समय पहले किया लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल करना छोड़ दिया। इस बार तो मोदी जी ने स्टूडेंट की बात करी, पूरी स्टूडेंट की बात करी, लेकिन उस स्टूडेंट में सिर्फ नाम के लिए करी ना, प्रैक्टिकली क्या किया है, प्रैक्टिकल फील्ड में उनकी योजनाएं हैं, बहुत बहुत योजनाएं आ जाती हैं, बहुत बहुत नाम आ जाते हैं, फोटो छप जाते हैं, बैनर लग जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है भैया? ज़मीनी हकीकत पे बता दिए इन्होंने, यहाँ पता करते हैं। मोदी जी की मन की बात डिसलाइक होगी, बता दो थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो मोदी ठीक है ना, ठीक तो मेरे हिसाब से मोदी जी ठीक नहीं है जो वो कर रहे हैं। पहले एक रेट देखिए क्या थे और अब देखिए रेट क्या थे, पहले पेट्रोल के रेट क्या थे और अब क्या हो गए, और फीस देख लीजिए बच्चों की आज भी ली जा रही है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये अच्छा, मतलब डिसलाइक इसीलिए हुआ है? अब जिसके लिए भी है, मैं अपनी मन की बात बता रही हूँ ना, आप दूसरे की हमारी मन की बात पूछ रहे थे, मैं अपनी मन की बात, आप भी बताओगे मन की बात? मेरे हिसाब से मोदी जी ठीक नहीं है जो वो कर रहे हैं। अब पहले रेट देखिए क्या थे और अब देखिए रेट क्या थे, पहले पेट्रोल के रेट क्या थे और अब क्या हो गया, और फीस देख लीजिए बच्चों की आज भी ली जा रही है, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये मेरा मतलब डिसलाइक इसीलिए हुआ है? अब जिसके लिए है, मैं अपनी मन की बात बता रही हूं ना, आप दूसरे हमारी मन की बात पूछ रहे थे, मैं अपनी मन की बात, आप भी बताओगे मन की बात? मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं, तो मैं ऐसा कुछ उनके बारे में बोल नहीं सकती खराब, बस मैं यही बोलूंगी कि वो जैसा काम कर रहे हैं वैसे ही काम करें। बट बात ये हो जाती है कि हम इतनी सारी जनता है, हर किसी को वो नहीं खुश कर सकते, ना वो किसी के घर में आके हमें खुश कर सकते हैं। हमारे यहाँ के हैं केजरीवाल, तो वो हमें जितना खुश रखेंगे ना उतना हम रहेंगे, और हम उनके मोदी जी को इस चीज़ में नहीं बोल सकते कि मोदी जी, क्योंकि वो सबको संभाल रहे हैं, वो अब एक एक पर्टिकुलर एक एक बंदे को नहीं संभाल सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगी मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ मोदी जी से, आई एम हैप्पी। आप? सेम, मुझे मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा वो कर रहे हैं वैसे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ मोदी से। तो भैया ये यहाँ पे सेटिस्फाइड है, लेकिन एक ही कारण है कि मोदी जी डिसलाइक है, क्योंकि लोग जो कह रहे हैं अपने मन की बात ना दूसरे के मन की बात भी सुन लो। तुम भी बोलोगे चाचा कुछ? क्या बोलूँ बताओ, मोदी जी का जो मन की बात है वो डिसलाइक है गई है। मैंने तो कुछ सुनाई नहीं मन की बात उसमें उनकी, कभी सुनते ही ना हो? हाँ सुनता हूँ, वैसे कल नहीं सुनी, संडे वाली कोई बात नहीं सुनी। अच्छा संडे वाली ना सुनी, तो डिसलाइक हुई, क्या कारण है, क्या लग रहा आखिर? आगे ये लग रहा है मोदी जी वैसे तो ठीक काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन ये गरीब जो आदमी मारा जा रहा है ना रोज का कमाने खाने वाला रेड़ी पटरी वाला, हम लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा। बोलो सीधा, उन्होंने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। उन्होंने कहा था जी हम 10-10 हज़ार की मदद करेंगे, वो 10-10 हज़ार की क्या मदद कर रहे हैं, वो तो लोन दे रहे हैं, वो हमें देना पड़ेगा मोदी जी ने। और मोदी जी ने और आपके माध्यम आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, मदद करो तो 1-2 लाख रुपए करो इन पटरी वालों की, बहुत परेशान है पटरी वाले, इनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, उन हमें पता हम कैसे कैसे काट रहे हैं, कैसे कैसे टाइम काटा है लॉकडाउन का, ये तो हमारा हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, हमारा परिवार गंभीर है, रुलाएंगे हमारे बच्चे जानते हैं, हम जानते हैं इन बातों के लिए क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियाँ काटी। आज हम दुकानदार वोट आपने मोदी जी को दिया था, अब वोट तो जब वो प्रधानमंत्री हैं तो हमने उन्हीं को दिया, वोट किसी को दिया? हमारे गांव में एक प्रधान थे, दो इलेक्शन होते, दोनों प्रधान थे, तो प्रधान जीतने वाला ये कहता था कि मुझे तो मेरे सामने वाले कैंडिडेट ने नहीं दिया, उसकी वाइफ ने ही वोट दिया है, तो हम उनको तो सारे देश ने 130 करोड़ देशों ने वोट दिया, 130 करोड़ जनता ने वोट मिला के। कहना चाहो मोदी जी लोन ना दें, एक मुश्त ऐसा पैसा दें हाँ जिससे हमारी प्रॉब्लम हल हो, लोन से नहीं, मतलब लोन तो फिर वो क्या करेंगे, वो मांगेंगे पैसे को देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कानून कार्रवाई करेंगे। इससे लोन ना देने के कारण कोई वैसी मदद करें जिससे आदमी जीवन भर बैठ के खा सके। सही बात, काम तो करता है, सही बात है इनकी, हम तो तुम्हें पता हो कैसे शो कर रहे, लेकिन चाचा ने ऐसी बात कह दी कि आंसू भी आ सके तुम्हारी थोड़ी घनी देर में। रेहड़ी पत्री बारे के बारे में मोदी सोचना तो पड़ेगा जरूर, और अन्य भी सोचना पड़ेगा, आ जाओ अभी तो और भी बात करनी है हमें, चलो। यार मेरे यहाँ चना बिक रहे हैं और यहाँ विपक्षियों कह रहा हूँ मोदी जी की जो मन की बात है वाकई चना बिक गए।
क्या दिक्कत हुई है, डिसलाइक है कहीं? अरे बहुत दिक्कत आई है। क्या क्या दिक्कत, कैसे की? लॉकडाउन में काम धाम नहीं था, बैठना पड़ा। अगर आप काम थोड़ा खुला हुआ है तो चालान बढ़ा दिए, पब्लिक नहीं आ रही। चालान बढ़ा दियो? क्या रुपये बढ़ाओ? 500 रुपये, वो 500-600 रुपये लेके आते पब्लिक, कुछ खा पीती नहीं है, चालान इतने करते हैं, पब्लिक डर के मार नहीं निकल रही। कितनी देर से लगा रखी दुकान को? ये दुकानदारी सवेरे से, वही 100-200 रुपये आ रहे हैं बस। बस तो बहुत गलत है भाई। 150 का हो, गरीब भैया पे ना हो, कहाँ से देगा? 150 का चालान हो वो तो भी सही है। ये चालान ले कौन है? देख लो कौन लेते हैं, और ये प्रसादन ले रहा है और कौन लेगा? कितने कमाते हो उसमें से इतने दे जाओ हैं, थोड़ा सा उसी का उठ जाए, कुछ भी हो जाए। तो भैया थोड़ी सी यहाँ भी सीरियस सी बात है यार, ये बेचारे इतना कमाते ना, उससे जाते हैं गवा के जा रहे हैं, इनको ध्यान रखो जाओ। इनते पता करते हैं कि आखिर डिसलाइक हुयो तो हुयो कैसे, बहुत सोचने विषय आ जाओ भैया। मोदी जी की मन की बात डिसलाइक कर दी लोगों ने? हाँ बिल्कुल डिसलाइक की है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो वो नहीं कर पा रहे, जो आम जनता को चाहिए, जो आम जनता की नीड है। मन की बात तो मन में रह जाएगी, एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो बात जो इंसान को चाहिए, दैनिक रोजगार, खाना, मतलब एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे सब खत्म है, सब बिकाऊ मीडिया हो चुकी है और मेन मुद्दे आते ही नहीं है। एक सुशांत जी का केस चल रहा है जो चले ही जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब दुनिया में उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, आए दिन बेरोजगारी हो रही है, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, काम मतलब काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो वो चीज़ भी बहुत बड़े इशू हैं। बट वो मीडिया तो अलग तरह की है, हमारी मीडिया पे कहूँगा जो बोलोगे वो दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो भी बोल रहे हैं वो बात मन की बात बिल्कुल सही है, बट मन की बात एक्चुअल लाइफ में नहीं चलती। क्योंकि मन की बात, अब हम किताबें पढ़ते हैं, अब प्रैक्टिकली हम उस किताबों के थ्रू अगर हम जाते हैं रियल लाइफ में, तो हम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये आप मान के चलो। कुल मिला के कहना ये है कि मन की बात नहीं चलती है। बिल्कुल भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हो मोदी जी की? मोदी जी उनकी थिंकिंग अच्छी है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। सपोज अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं अंबानी बन जाऊंगा, सोचना कोई बुरी बात नहीं है। अब वो हमें भी सपने दिखाते हैं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, अच्छी बात है, ये थिंकिंग है, ठीक है, उनका टाइम लगता है हर चीज़ के, लेकिन इतना टाइम क्या लगना है? ये जुमले इतने तो मतलब इंडिया के है, ठीक है, जुगाड़ वाले हमारे देश है, ठीक है, हर चीज़ को एडजस्ट करते हैं हम, और कंट्री के भी बंदे आते हैं, हमें एडजस्ट करते हैं, हम हर चीज़ को एडजस्ट करते हैं, बट ये चीज़ है वो जुमले करते हैं, इतनी झूठ बोलने की क्या बात है यार? इतने तो हम भी तो माइंड से नहीं है, या हमारे जो भी यूपी और बिहार के बंदे हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी कि इतने बेवकूफ़ वो भी है, अनी खाते हैं, थोड़ी भूसा खाते हैं या घास खाते हैं, इंसान ही है। तो मेन मुद्दा ये है, डिसलाइक जो हुआ इसीलिए हुआ, इसीलिए हुआ, नहीं तो मोदी जी को तो सबको सपोर्ट करते, हम भी करते उनको सब सपोर्ट कर रहे थे, बस 15 लाख आए, हमें 15 लाख के रुपए की क्या जरूरत है? हम ये तो कहते जिसकी नीड है उनको पहुंचाओ बेचारे, उनके लिए अच्छा करो। अभी देखो इतना है, अभी कितने लोग मरे, रेल की पटरी में मरे कोरोना के टाइम में, यार घोषणा करने से थोड़ी कुछ होती है, आप कर दोगे लेकिन उससे थोड़ी होगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सोनू सूद का क्या था? सोनू सूद को क्या पढ़ी थी एक बताओ, ना वो सलमान खान है, ना वो शाहरुख खान है, इतने करोड़ों रुपए है, उसको क्या पढ़ी थी? हर बिहार के लेके, दिल्ली से लेके, राजस्थान के लेके वो बंदा खड़ा हुआ ना। नेता लोग क्या उनको खड़े होते वोट के लिए आ जाते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे कहीं भी पहुंच जाते हैं, रातों रात पहुंच जाते हैं, तो उसको क्या पढ़ी हुए? नेता का काम तो नहीं करा बेचारा, लेकिन एक ह्यूमनिटी होती है ना बंदे की, एक इंसानियत होती है, इस चीज़ को सब इफेक्ट है, सारी पूरी कंट्री इफेक्ट है, लेकिन कुछ ना हो तो बंदे एक बार खड़े तो हो जाओ, खड़े ना तो कुछ ऐसे तो करो। आप कहते हो वो ऐसा है यार, आप देखो, लुक एट योर सेल्फ यार, कि आप कैसे हो, बोलने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है भाई, इनका कहना है कि बोलने से कुछ ना हो, करने से होगा। चाचा भी हमारे साथ है, चाचा क्या कहना चाहते हैं? अच्छा चलो, तो भैया यहाँ लोगों ने जो है साफ तौर पे बताई है कि मन की जो बात है वो अपने मन की बात है ना, अब हमारे मन की बात भी सुन लो। लोगों ने डिसलाइक भी करें, उनको कहना को कि दिल्ली वाले आदमी से हमने बात करी है, और दिल्ली वाले आदमी को ही कहना है कि अब मन की बात हमारे मन की बात भी सुन लो, और हमारा जो प्रोग्राम है ये आप ये देखते रहो,
हमारा जो चैनल है या सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन है दबा लो, और फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक कर लियो पेज हमारे, और हमारी यह वीडियो शेयर कर दियो, क्योंकि अगली बार भाई देखो पिछली बार ब्रजघाट पहुँचे गंगा से दिखाई तुम्हें बढ़िया खबर, अब के हम इंडिया गेट आएँ, अब के हमने तुम्हें दिखाई है कि मोदी जी की मन की बात डिसलाइक क्यों हुई है, और अगली बार जाते बड़ा कोई मुद्दा लेके आएंगे, अगर पेज लाइक करोगे तभी तो देख पाओगे, ध्यान रखियो, देखते रहियो, राम राम भैया। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।